हेलो एवरीवन, हम होम साइंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि होम साइंस की परिभाषा क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। आज हम करेंगे कि होम साइंस के क्षेत्र कौन से हैं या एरियाज ऑफ होम साइंस। ये वो एरियाज हैं जिनको कि आप अपने पूरे 3 ईयर डिग्री कोर्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में जो है आप इनको पढ़ेंगे, तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे जो पहला क्षेत्र है वो है आहार और पोषण विज्ञान, है ना। हम अगर देखें तो 3rd ईयर के अंदर ही आपका जो पेपर है एक, वो आहार है, पोषण है या फूड एंड न्यूट्रिशन है, जिसमें आप भोजन के बारे में पढ़ेंगे, भोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, भोजन के कार्य पढ़ेंगे, भोजन के अवयव पढ़ेंगे, यानी इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने जानकारी दी थी एक क्लास के अंदर कि और न्यूट्रिएंट्स का क्या प्रभाव होता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्या आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, कितनी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, किस न्यूट्रिएंट की किस लिए या शरीर में क्या कार्य रहता है उस न्यूट्रिएंट का, या किस न्यूट्रिएंट की कमी से क्या बीमारी हो जाती है, या किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, या किस कई न्यूट्रिएंट ऐसे भी हैं जिनकी अधिकता से भी कई रोग जो हैं हो जाते हैं, और डाइट से जो है हम रोगों को कैसे ट्रीट करें, ये हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। हम अलग अलग डिजीजेज इसके अंदर पढ़ते हैं, उनके साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ते हैं उन बीमारियों के, उनकी इटियोलॉजी पढ़ते हैं। इटियोलॉजी माने कि फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ रोग के होने के क्या क्या कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, है ना, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर डायबिटीज़ में आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, या बॉडी में क्या इसका परिवर्तन लेके आता है, फिर आप इसको इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, या इसके क्या इस रोग के क्या लक्षण हैं, है ना। ये तो एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको डायबिटीज़। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो हैं बीमारियाँ हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के अंदर, फिर उनको डाइट से आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा भोजन के अंदर एडल्ट्रेशन के फलस्वरूप कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, है ना, तो इनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे इनकी जांच की जाए कि किस चीज़ में किस चीज़ एडल्ट्रेशन किया। एडल्ट्रेशन माने मिलावट, है ना, माने एक पर्टिकुलर चीज़ में या तो सब स्टैंडर्ड कोई चीज़ मिला दी जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे बासमती राइस है, बासमती राइस आप पैसा बासमती राइस का दे रहे हैं, लेकिन उसमें अगर परमल जो है जोड़ दिया जाए या ऐड कर दिया जाए, या कोई सस्ता चावल या कंकर पत्थर उसी कलर के, तो इस तरीके से जैसे तेल के अंदर जो है मस्टर्ड ऑयल में जो है आजीमन ऑयल का जो है उसके अंदर मिलावट की जाती है ना, तो इस तरीके से बहुत सारे जैसे अरहर की दाल में केसरी दाल की मिलावट की जाती है, तो इस तरीके से हम उसके बारे में एडल्ट फूड एडल्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन से लॉज हैं, किस तरीके से जो है हम जो है अपना बचाव कर सकते हैं एडल्ट्रेटेड फूड से, है ना, तो क्या लॉज हैं, कंज्यूमर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं फूड से रिलेटेड, और वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन में आप पढ़ेंगे कि जो भी बीमारियां हो रही हैं उनको आप बीमारियां ना कहें, हम कहेंगे कि फिजियोलॉजिकल स्टेट्स होती हैं बहुत सारी। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है ना, या अलग अलग एज ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे को क्या डाइट लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या डाइट लेना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट की मात्रा हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, या किस चीज़ को हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या कम लेना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप फूड्स एंड न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। तो फूड्स एंड न्यूट्रिशन जो है होम साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एरिया ऑफ स्टडी जो है वो रहता है। दूसरा है पारिवारिक संसाधनों की व्यवस्था। पारिवारिक साधनों की व्यवस्थापन क्या कहता है, या होम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, पहले हम इसको समझें कि रिसोर्सेस क्या है, हमारे साधन, ठीक है, इन साधनों को, साधन जैसे कि आपका पैसा, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपके पास में जो मशीन्स हैं या जो भी सुविधा के लिए आपकी जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं, आपका साधन। अब इस साधन को हम इस प्रकार से मैनेज करें कि हमें इन्हीं साधनों से, जो उपलब्ध साधन है,
उनसे हमें बेस्ट पॉसिबल जो है रिजल्ट मिले या सेटिस्फेक्शन मिले ज़्यादा से ज़्यादा, उसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करना कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, इसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। और फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज माने साधन, है ना, साधन जैसे कि अभी आपको बताया समय, ऊर्जा, पैसा, आपकी मशीनरी, या आपको कोई सुविधाएं सरकार ने दी है या कुछ और चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, हमारे साधन में। इनको इस प्रकार से मैनेज करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, और एक बात होती है कि मैनेज क्यों करना पड़ता है इनको, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमेशा ही लिमिटेड होते हैं। कोई इंसान कितना भी पैसे वाला है तो एक लिमिट पे आके उसके रिसोर्सेज जो हैं वो भी लिमिट हो जाते हैं, तो उनको अगर वो अच्छे से मैनेज नहीं करेगा तो हो सकता है कि उसको भी कमियों को झेलना पड़ेगा। हम मैनेज करते ना कि मेरा बजट ये है, मुझे इतने बजट में ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपने फैमिली के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं या इनका प्रबंधन कर रहे हैं, अपने साधनों का प्रबंधन कर रहे हैं। उसके बाद है वस्त्र विज्ञान और परिधान, ये तीसरा इसका एरिया है गृह विज्ञान का, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। ये क्या है, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं कि फाइबर क्या है या रेशा क्या है और कपड़ा कैसे बनता है, है ना। फाइबर से क्या बनता है, फाइबर यानी रेशा, है ना। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो है नेचुरल फाइबर्स हैं, मैन मेड फाइबर्स हैं, एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर हैं जैसे कि ऊन है, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के रेशे हैं। अब इनसे रेशों से जो है यान कैसे बनता है, पहले जो रेशे हैं उनको स्पिन करते हैं, बहुत सारे रेशों को आपस में मिलाकर इनको स्पिन करते हैं, स्पिन करने से यान बनता है या धागा बनता है, धागे के पश्चात क्या बनता है, धागे के पश्चात कपड़ा बनता है। तो फाइबर, फाइबर से यान, यान से फैब्रिक, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग फाइबर जो है, मैन मेड फाइबर्स कौन से हैं, प्लांट्स से मिलने वाले फाइबर्स कौन से हैं, एनिमल से मिलने वाले फाइबर कौन से हैं, फिर इनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, इनके क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर इनकी वॉशिंग एंड केयरिंग आप देखेंगे कि अलग अलग यार्न्स की, अलग अलग फैब्रिक्स की, जैसे कि आपने देखा होगा कॉटन को अलग तरीके से धोया जाता है, सिल्क को अलग तरीके से धोया जाता है, वुलन को अलग तरीके से, सिंथेटिक की वॉशिंग अलग है। तो ये सब बेसिकली जो वॉशिंग के अलग अलग पैटर्न है, ये किस आधार पर डिसाइड होते हैं कि उनकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, है ना, कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये सब चीज़ें हम जो है इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा आप इसमें प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं कि स्टिचिंग है, है ना, ड्राफ्टिंग है, कटिंग है, स्टिचिंग है। ड्राफ्टिंग माने जो आप पहले पेपर के ऊपर जो है कि कोई आपको गारमेंट बनाना है तो आप पेपर के ऊपर उसकी एक ड्राफ्ट तैयार कर लेते हो कि ये साइज़ रहेगा, इतनी लंबाई, इतने कंधे, आप उसको पहले पेपर पे काटते हैं फिर आप कपड़े पे काटते हैं। तो ये जो पेपर पे कटिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग। फिर स्टिचिंग कैसे की जाए, है ना, फिर उसकी फिनिशिंग कैसे की जाए, इसी के अंदर आप एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं, इसके अंदर आप टाई एंड डाई सीख रहे हैं, बाटिक सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग जो है आप इसके अंदर सीख रहे हैं। तो इसके अंदर ये बहुत बड़ा एरिया है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। इसके अंदर जो है करियर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा जो है अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद है मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली इसके अंदर आप जो मानव जीवन की जहाँ से शुरुआत होती है हम वहाँ से लेकर और ओल्ड एज तक की जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या डेवलपमेंटल टास्क हैं, किस उम्र में कौन सा डेवलपमेंटल टास्क जो है होता है, तो इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए, मानव का शरीर शुरू होता है एक सिंगल कोशिका से, है ना, जो है स्पर्म और ओवम होते हैं, सिंगल सेल जो है ये कोशिकाएं होती हैं। तो ये कोशिकाओं में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जायगोट बनता है,
ना जायगोट से आगे फीटस बनता है इसके अंदर, फिर फीटस से न्यू बॉर्न बेबी, तो यहाँ से पूरा हम लेकर फिर न्यू बॉर्न बेबी के बाद में 2 साल तक इन्फेंट स्टेज आ गई है ना, फिर प्री स्कूलर आ गया, फिर स्कूल गोइंग चाइल्ड आ गया, फिर जो है एडोलेसेंट आ गए, फिर एडल्टहुड आ गया, फिर आपका जो है ओल्ड एज आया। अब इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, है ना, इनको कैसे अचीव किया जाए, इन पे डेवलपमेंटल टास्क पे किन किन चीज़ों का प्रभाव जो है रहता है, क्या इम्पेक्ट होता है अलग अलग चीज़ों का डेवलपमेंटल टास्क पे, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है और इनको प्रभावित कौन से तत्व करते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम किस में पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं आपस में इंटररिलेटेड हैं। इंटररिलेटेड कैसे हैं, क्योंकि ये सब होम साइंस की पार्ट हैं और ये सब अल्टीमेटली किससे जुड़े हुए हैं, घर से जुड़े हुए हैं, है ना। और हम ग्रह विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्रह विज्ञान इन सब सब्जेक्ट्स का, इन सब एरियाज का एक समग्र विज्ञान है, विज्ञान भी है और साथ ही में कला भी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि विज्ञान कैसे है कि हम साइंटिफिक तरीकों से, साइंटिफिक जो है नॉलेज को यूज़ करते हुए जो है हम अपने कार्यों का संपादन करते हैं, और प्रेजेंटेशन मोड पर जब आप आते हैं तो उसमें आर्टिस्टिक टच देते हैं, तो दोनों का ही हम बराबर जो है होम साइंस में उपयोग करते हैं। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, ग्रह विज्ञान। अलग अलग उसके अंदर समय पर जो है होम साइंस के नाम भी अलग अलग रहे हैं, जैसे होम इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है होम साइंस को, कम्युनिटी साइंस भी कहा जाता है होम साइंस को। तो इस तरीके से समय के साथ में कई बार जो है इसका नामकरण जो है वो चेंज हुआ है होम साइंस का। तो ये एक वास्ट फील्ड है जिसके अंदर अभी हमने जो एरियाज पढ़े, ये सारे एरियाज इसके अंदर आते हैं।